ये एक थ्योरम रह गया R is equal to function. F and g are two R integrable functions. और अपने नंबर देंगे तब f plus minus g r integral अरे तब f plus minus g r integral on a to b f plus minus g d is equal to a to b f of x d s plus minus a to b g of x d s इम्प्रूव करना है आपको समझाने से इसका वो जान कोई देखो सबसे पहले तो ये मान आपसे कि f और g r इंटीग्रल है तो f प्लस माइनस g भी कैसा होगा r इंटीग्रल उसके लिए क्या करना होगा u f प्लस g p लेस देन इक्वल में कितना नहीं u f p माइनस l f p वाली कंडीशन है ना लेस देन एप्सिलॉन बताना होगा लेकिन f से ना लिख के f की जगह एक f प्लस माइनस g दोनों के लिए एक बार प्लस के लिए करते हैं इधर भी माइनस के लिए ठीक है ना तो यहां क्या है समझ लो Left f comma g belongs to R. We saw that f plus minus g belongs to R. इसको भी क्या प्रूफ करना है आपको R इंटीग्रल करना है इसको R इंटीग्रल प्रूफ करने के लिए क्या है पहले यहाँ ये देखिए चले since f belongs to R f क्या क्लोज इंटरवल ए में r इंटीग्रल है देन f साइड ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट या f साइड ग्रेटर देन 0 एंड पार्टिशन p1 बिलोंग टू p a सच दैट ध्यान दीजिए आप इसके लिए कोई पार्टिशन क्या है p1 है और एप्सिलॉन क्या है ग्रेटर देन 0 है पी1 पार्टीशन किसका है जो कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन है ना पीएबी ग्रुप जो दे रखा है उसका पीएबी का उसमें से लिया है पार्टीशन पीएबी में से तो देखो इसमें आर इंटीग्रिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देन क्या कंडीशन होती है यूएफपी माइनस LFP लेवल एप्सिलॉन होता है लेकिन हम एप्सिलॉन बाय 2 ले रहे हैं इसको कोई भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें सेम ऐसे ही और तो F की जगह क्या है G log 2 आ रही है देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड पार्टिशन P2 belongs to PAB. Therefore, UGP minus LGP क्या हुआ ये लाइन में अब सरल बाई टू आइलेंस नंबर सेकंड डाल दें
कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें यूडीपी माइनस एलजीपी। अब देखो इसमें कोई भी एक पार्टीशन लेके चल रहे हैं पी थ्री, इनका रिक्वायरमेंट है ना पी थ्री इक्वल टू पी वन यूनियन पी टू। पी थ्री क्या लिया हमने, पी वन यूनियन पी टू लिया है। तो हम पी थ्री को क्या कह सकते हैं, पी थ्री इसका पार्टीशन होगा ना इसका, या पी थ्री क्या होगा पार्टीशन होगा पी वी का। और क्या है रिफाइनमेंट भी तो होगा ये पी थ्री इसका पी वन और पी टू का, तो क्या लिख सकते हो। Then P3 is partition of closed interval AB and ये partition क्या partition हुआ AB का और क्या रहेगा refinement and refinement and also P3 P the refinement of P1 and P2 P3 क्या होगा इनका refinement होगा। तो theorem बताई थी हमने आपको याद हो तो, और वो theorem भी इनका use करेंगे हम यहाँ। उन थ्योरम्स की अगर हम बात करें स्टार्टिंग में कराई थी आपको, ए एक्सरसाइज में थी वो, देखो आपको याद हो तो किधर लिखे थे देखो, LLP लेजर इक्वल LLP डेस, और दूसरा था UFP UFP डेस लेजर इक्वल UFP P डेस। क्या रिफाइनमेंट था ना इसमें, P डेस क्या रिफाइनमेंट था 6.02 थी ये थ्योरम। इसके साथ में एक और थ्योरम कराई थी आपने, ये थी LFP plus LGB leather equal LF plus GB, क्या ये, और इसी में एक और ये थी इसका second statement F plus GB leather equal UFP plus UGB। ये दो थ्योरम आपको याद है ना, नहीं है मेरी तकदीर याद करनी पड़ेगी जब इस थ्योरम को प्रूव करोगे तब, ठीक है ना, इनका यूज करेंगे हम। अब देखो इसके यूज के लिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को, तो इन थ्योरम्स को यूज में लो। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो थ्योरम है ना इनके अकॉर्डिंग देखिए P3 और P1 का रिलेशन क्या आएगा, P3 रिफाइनमेंट है ना वो P डैश की जगह P3 लिखते हैं, ठीक है ना, और जहां P है उसकी जगह P1 करो। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में क्या है, P3 की जगह वहां जो सेकंड वाले में ना P डैश उसकी जगह P3 करो, मतलब दोनों में ही करना है। एक बार तो P3 और P1 को लेके चलेंगे, एक बार P2 और P3 को इनको लेके चलेंगे, तो जहाँ P डैश है उसकी जगह तो आपको P3 करना है, P की जगह P करना है, दूसरा क्या है P3 की जगह P डैश की जगह P करना है और P की जगह P करना है, ऊपर वाले दोनों इक्वेशन से तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा देन U F P3। देखो नीचे U F P3 P डैश की जगह लाइन इक्वल में क्या है U F P1, और क्या है LFP के लिए जो LFP dash one happy one leather equal LFP three, यही तो बना
ऐसे ही क्या रहेगा दूसरे वाले में, फिर इसके लिए देखो P3 P2 के लिए क्या आएगा। लेकिन अब P2 के लिए क्या था, P2 के लिए क्या था, G था ना, G P2 के लिए P2 पार्टिशन किया ना, तो फंक्शन किया ना Q, तो यह F की जगह G करो, G P3 इक्वल U GP2 और क्या यहाँ पे GP2 लेदर इक्वल कितना है GP3 है ना। और क्या बनेगा लास्ट वाला को देखो, जो लास्ट वाला है उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, देखो F प्लस G है ना एंड U F प्लस G DP की जगह क्या रखोगे, एक बार P1 लिख लेते हैं, इसमें P की जगह तो नहीं, इसमें F प्लस G P P है ना ये बस, इसके लिए तो पार्टिशन क्या था P1 लेंगे, P1 लिख लेंगे, अब कहीं P' वगैरह थोड़ी है, P3 लेंगे, आप ही देखो अभी जब P3 F के लिए कितना है अपने पास P1 और G के लिए क्या है P2 यही तो है ना, तो इसको इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, नहीं ओनली आपको आपके पास में ये ओनली पार्टिशन P3 रहेगा, तो दोनों जगह सेम है ना, P ही तो कर रहे हैं, तो एक ही पार्टिशन लोगे, अब वहां तो P' और P के बारे में जिक्र हो रहा था, यहां ओनली क्या है P पार्टिशन है सब जगह, तो B की जगह क्या रखे हैं रे के बनेंगे U F प्लस G के लिए क्या था P3, तो याद रखोगे कितना F प्लस G P लेस देन इक्वल U U F P3 प्लस U G P3 और कितना है एंड इसमें और क्या बन जाएगा, इसको लिखो ये बनेगा L F P3 प्लस L G P3 लाइन देन इक्वल L F प्लस G P3, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ पर, लिखने वाला कितना आता है। अच्छा ये देखो इनको सॉल्व कर रहे हैं, इनको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व किस तरह करेंगे ये सुनो, क्या था यहाँ ऊपर वो लिखा है ना इक्वेशन फॉर सेकंड UFP-LFP ना, तो यहाँ UFP-LFP हाँ लिखेंगे UFP3-LFP3 कुछ इस फॉर्मूला है और UFP1-LFP1 समझना, मैं साइड में समझा रहा हूँ ये कैलकुलेशन, देखो कितना है UFP3 less than equal कितना है UFP1 और ये वाली इक्वेशन क्या है LFP1 less than equal LFP3 है ना, तो ये अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें साइन चेंज हो जाएगा ना, मैं ये कहता हूँ कि LFP3 है ना, ये अगर ऐसे लिख दिया जाए सब लोग की बात LFP3 greater than equal है ना किससे LFP1 से, ऐसे ही तो है ना ये, अब देखो इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता -LFP3 और ये साइन क्या हो जाता है लेने पर और माइनस का LFP1 ये तो बनता, और यहां है ना जो मैंने पार्टिशन दिया था ना ये आएगा कितना P1 P1 और ये रहेगा P2 P2 पार्टिशन लिया ना आपने, देखो F वो रिमान एंट्री के वाले ना किसी में P1 पार्टिशन के लिए तो P1 लिखना होगा आपको, और G है वो किसके लिए P2 के लिए तो P2 लिखना होगा आपको, अब यहाँ देखना UFP3-L देखो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ से इस वाली इक्वेशन से, अब अगर आप इनको ऐड करें तो क्या है ऐड करने पे UFP3-LFP3 और कितना है लेन इक्वल UFP1-LFP1 ऐसे ही तो बनेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो इन्हीं को लिख रहे हैं,
इनको कोई इक्वेशन डाल दो, इसको भी ऐसे ही लिख रहे हैं क्या? ग्रेटर दैन इक्वल कितना था? एल जी पी टू है ना, इनको डाल दो कोई भी इक्वेशन, और सेकंड इसको थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ रखेंगे फ्रॉम थ्री फोर एंड फाइव क्या है? यू एम बी थ्री माइनस एल एम बी थ्री लेस देन इक्वल बाय यू एम बी वन माइनस एल एम बी वन. अगर हम यूज करें इसका फर्स्ट वाले का तो यू एम बी वन माइनस एल एम बी वन क्या लेस देन का अक्षर कोई टू है ना, सिमिलरली क्या है UGP3 minus LGP3 less than equal में कितना UGP1 minus LGP2 ये भी क्या आएगा seven by two आएगा ना, कहाँ से लिखा? Second से second from first and second ये हो गया. ऐसे इनके लिए क्या आएगा and you have plus GP3 माइनस में क्या है तो दस से एल एफ प्लस जी पी थ्री लाइन इक्वल में बनेगा ये कितना यू एम पी थ्री माइनस एल एफ पी थ्री बनेगा. लिख दे रहे हैं वही करना पड़ेगा इसकी तरह से. तो क्या आएगा यू एम पी थ्री माइनस एल एफ पी थ्री एल एफ पी थ्री एक साथ लिख दिया जाए यू एम पी थ्री माइनस एल एफ पी थ्री प्लस में क्या आएगा ऐसे यू जी पी थ्री माइनस एल जी पी थ्री यू जी पी थ्री माइनस एल जी पी थ्री क्या बनाइए लेदर में कितना है ऐसे इन इक्वेशन से इसको क्या लिखोगे आप सिक्स सेवन. अगर हम यहाँ सिक्स से लेते हैं तो यू एम पी थ्री माइनस एल एम पी थ्री का लेदर आप करना पड़ेगा. तो यार हम यू एम पी थ्री माइनस एल एम पी थ्री की जगह लाइक अगर आप सेवन बाई टू उसकी जगह भी कितना आप सेवन बाई टू बात करते हैं फ्रॉम सिक्स एंड सेवन लाइक अगर आप सेवन बाई टू. और ये तो बताइए हम जैसा बताइए ग्रेटर दैन इक्वल क्या लिखोगे यार जीरो लाइक अगर इक्वल यू एफ प्लस जी पी थ्री माइनस एल एफ प्लस जी पी थ्री लेदर एफ का लिखो. अभी तो आप यही कहोगे एफ प्लस जी आर इंटीग्रल है सिमिलरली एफ सिमिलरली करके लिख देना एफ माइनस जी आल्सो आर इंटीग्रल नोट करो इसमें ना. अभी ये बहुत टाइम से इस बार भी हुआ नहीं है
इसके बाद लिखो सिमिलरली, सिमिलरली बी प्रूव, सिमिलरली बी प्रूव अभी माइनस वाले के लिए प्रूफ किया है ना, प्लस वाले के लिए प्रूफ किया ना आपने, अब माइनस वाले के लिए भी लिख सकते हो ना, सिमिलर नहीं करती जीरो लाइक दैट इक्वल बातें नहीं हुई यू एफ माइनस जी पी थ्री लाइक दैट इक्वल यू एफ माइनस जी को एल्स f minus gp3 like an epsilon then f plus minus g belongs to r1 yani f plus minus g dono ke to r1 ke ho gaye आपको डार्वॉक्स थ्योरम बताएगा, डार्वॉक्स थ्योरम का यूज करेंगे ये तो ये पार्ट तो यही था कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट देखो ये ना इस वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए डार्वॉक्स थ्योरम का यूज करेंगे। भाई डार्वॉक्स थ्योरम तो पार्टीशन है किसके पीएडी के, यू एफ बी फोर क्या था लाइन है राइट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस आता है राइट सर एंड यू जी बी फाइव लाइन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस आता है राइट एक डायरेक्शन क्या डायरेक्शन एक में माइनस आता है लेकिन वो एलएफपी वाला हमने निकाला ही और ये यूएफपी वाले लिखे हैं दोनों एक को एफ के लिए लिख दिए लिए अगर आप यहां कोई पार्टीशन लें लेट पी इक्वल टू पी फोर यूनियन पी फाइव P P क्या है P P इक्वल टू P फोर यूनियन P फाइव जैसे P थ्री दिया था ना अभी हमने तो यहाँ P है वो क्या रिफाइनमेंट हो गया ना किसका P फोर P फाइव का रिफाइनमेंट इधर हुआ then P is the refinement of P4 and P5 ये इसका refinement है तो refinement के according हमने आपको बताया था क्या लिख सकते हो अभी जो theorem बताई थी ना उसके according then UMP less than equal क्या है UMP4 and और क्या था UGP less than equal कितना है UG P5 लेकिन UFP4 कैसा है यहाँ पे less than a to P f of x dx plus epsilon by 2 और ये क्या है UGP5 यहाँ से
a to b f of x dx plus epsilon by 2 इनको कोई नंबर इक्वल दो कितने हो गए थे अब तक एक नंबर डालते हैं इसको नाइन डाल दो अभी जो एक और था ना लास्ट में आंसर कौन सा था ये u f plus g p वाला लेटर इक्वल था ना ये u f p plus u g p अरे यही तो था जो दो थ्योरम इधर लिखाई थी ना अपने बॉक्स में बंद करके इधर थ्योरम लिखाई थी उनमें से एक ये है ना अच्छा ये बताइए फिर u f plus g p लेटर इक्वल u f p plus u g p है ना तो u f p क्या u f p लेटर है इससे तो लिख सकते हैं ना यार में कितना a और कितना ये f of x dx plus f theta by 2 और क्या है plus u g p के लिए कितना a to b f of x dx plus f theta by 2 क्या आंसर करना है यहाँ इसके ऊपर ये अच्छा ये एक और बात सुनिए u f plus g है ना एक क्षण ऐसे मत समझो इसे पहले ये स्टेप समझो आप देखिए अपर लिमिट एक बात बताओ आप a to b f plus g of x dx समझना ये वैल्यू जो है ना अगर हम इस पे ऊपर या नीचे बार लगाएं तो ये क्या हम u की फॉर्म में ला रहे हैं हम यहां ये रिमाइंड इंटीग्रेशन तो हो गया सर r इंटीग्रेशन हो गया ना ये अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया है तो ये बताओ अगर अपर अपर रिमाइंड इंटीग्रेशन निकालते हम तो क्या होता ये बनता मिनिमम ऑफ कितना u f plus g p ऐसे को लिखते p belongs to p a b अरे ये बताओ अपर रीमन इंटीग्रेशन ये तो होता है यूरो एफ का थ्योरम यहां f plus g f की जगह f plus g चल रहा है तो अपर रीमन इंटीग्रेशन ये तो होता है यूरो एफ का मिनिमम अगर मिनिमम हटा दो क्या होगा ये यानी ये जो यूरो एफ का मिनिमम वैल्यू है ना वो ये है इसका मतलब बाकी के सारे कैसे होंगे बड़े ग्रेटर देन इक्वल में क्या लिखोगे u f plus g p यही तो लिखोगे लेकिन u f plus g p कितना है यहां से ये है लेटर में कितना आएगा ये लेटर इक्वल में u f p u f p plus u g p ये मैंने कहां से लिखी है टर्म से इसके इक्वल है a to b f plus g p f plus e x dx के लेकिन ये वैल्यू क्या है यहां से u f b l f b किससे लेते हैं इससे तो क्या लिखोगे लाइन में a to b f of x dx plus f of y plus a to b f x dx कितना जरूर सही हो जाएगा ये है ना ऊपर जी ये थी यही थी जी एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 और इसको क्या लिख सकते हो आप ये बना यहां कितना a to b f plus g of x कितना रहा a to b f plus g of x dx लेटर इक्वल में कितना है अरे लेटर इक्वल में कितना है कितना ये a to b देखो हमने यहाँ मेरे पास तो हमने यहाँ बाहर हटा दिया नहीं उससे क्यों हटा दिया r एंट्री के वाले f plus g r एंट्री के वाले तो जरूर थोड़ी इसको लगाओ यहाँ a to b और कितना है f x d x प्लस a to b g of x d x प्लस एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन हो गया एप्सिलॉन क्या आर्बिट्री है ना
तो एफआर एंड टेस्ट जीरो लोगे देन एफआर एंड जा सकते देन एफआर एंड को नेगलेक्ट कर दो क्या आएगा ये एट बी बी एफ प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स अब देखो ये एफआर एंड नेगलेक्ट करोगे ना इधर ध्यान दीजिए एफआर एंड नेगलेक्ट करोगे छोड़ोगे उधर तो यहाँ इक्वल आ सकता है तो क्या आएगा ये a to b f of x dx क्या करेगा भाई a to b g of x dx अब यहाँ क्या करोगे रिप्लेस करोगे f को माइनस f से g को माइनस g से f भी रिप्लेस f and g by माइनस f and माइनस g then या माइनस एफ माइनस डी करोगे तो माइनस आ गया था माइनस ए टू बी एफ प्लस जी एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल में यहां भी माइनस आ गया तो माइनस आ जाएगा माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ये साइन चेंज हो जाएगा ए टू बी एफ प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स greater than equal a to b g f of x dx plus a to b g of x dx अभी तक 10th number तक रहा जो भी ना इसको क्या तुम कह रहे हो इसको क्या by 11 and 12 then क्या बनेगी ये value a to b equal कर दो ना ये greater than equal होना चाहिए equal f plus g of x dx equal में a to b f of x dx plus a to b g of x dx similarly करके लिख सकते हो ना यहाँ minus के लिए minus और यहाँ minus ठीक है एक line और बढ़ा देना similarly करके note कर दे इसे